मित्रों नमस्कार, पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मित्रों आज का टॉपिक है कुंडली देखकर जानिए सूर्य किस प्रकार से बनाता है एक कुशल और सफल डॉक्टर अथवा चिकित्सक। या मित्रों आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। गत 2-3 दिनों से मैं कुछ निजी कारणों से वीडियो नहीं दे पाया हूं। आज बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मित्रों बच्चे हमारे भविष्य हैं। आज हम या हर लोग बच्चों को अच्छी और ऊंची शिक्षा देना चाहते हैं, लेकिन शिक्षा किस शाखा में दी जाए इसका निर्णय केवल ज्योतिष कर सकता है, बाकी कोई व्यवस्था नहीं। तो मित्रों अगर हमने शाखा नहीं तय किया, दिशा नहीं तय किया, तो दिशा भटक जाने पर गलत दिशा में ले जाने के कारण जिस लायक है बच्चा वो शिक्षा नहीं प्राप्त करता है, नतीजा होता है उसका भविष्य भटक जाता है। तो इसमें हमारे ही सूझबूझ की जरूरत है। प्रायः लोग टेक्निकल या प्रोफेशनल शिक्षा दे रहे हैं, इंटर के बाद ही प्रोफेशनल डिग्री दे रहे हैं, तमाम लोग डॉक्टरी की तरफ शिक्षा देना चाहते हैं, साइंस की शिक्षा देना चाहते हैं, तमाम लोग इंजीनियर बनाना चाहते हैं, तमाम लोग विभिन्न क्षेत्रों में बच्चे को मनमानी तरीके से ले जाते हैं। लेकिन अगर उनकी कुंडली का, बच्चों की कुंडली का सही अध्ययन कर लिया जाए, विशेषज्ञ ज्योतिषी द्वारा दिखा लिया जाए और ये तय कर दिया जाए कि बच्चे में किस शाखा में शिक्षा प्राप्त करने की पात्रता है, तो निश्चित ही हम सही दिशा दे सकेंगे और बच्चा उस क्षेत्र में सफल होगा, कुशल। तो आज मित्रों हमारा मूल टॉपिक है, यद्यपि हमने शिक्षा पर कई वीडियो दिया है, लेकिन आज हमारा मुख्य विषय है कि सूर्य किस प्रकार से एक सफल और कुशल डॉक्टर बनाता है। अगर उसके कुंडली में ऐसे योग हैं, ऐसा कुंडली बता रही है। तो मित्रों आगे बढ़ने से पहले मेरी अपेक्षा है कि अगर वीडियो आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को आज से अंत तक जरूर देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और जो दर्शक मित्र हैं कई दिनों से वंचित हैं वीडियो पाने से, देखने से, आज मैं उनकी कामनाओं को पूरा करते हुए पुनः एक नए एपिसोड में एक नया वीडियो दे रहा हूं। निश्चय ही आप सबके लिए बहुत ही लाभकारी है, पथ प्रदर्शक है। तो हमें चाहेंगे सभी लोग वीडियो को देखें, इससे लाभ उठाएं और बच्चे को सही दिशा दे करके अपना और अपने देश का भविष्य प्रशस्त करें, उज्जवल करें और बच्चों को एक स्वस्थ नागरिक बनाएं, प्रबुद्ध नागरिक बनाएं, एक कुशल नागरिक बनाना एक सफल नागरिक। तो मित्रों आज हम आते हैं इस टॉपिक पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिना उचित शिक्षा के उचित दिशा नहीं, हम किस दिशा में बच्चे को ले जाएं, योग्य से योग्यतम बच्चा भी रास्ता भटकने के नाते, दिशा भटकने के नाते वो गलत दिशा में डाल देने से सही दिशा में शिक्षा की। तो मित्रों मेन चीज है शिक्षा और एक डॉक्टर बनने के लिए शिक्षा परमावश्यक है, क्योंकि एक स्वतंत्र व्यवसाय है, ये चाहे सरकारी सेवा में जाए या प्राइवेट सेवा में जाए, बहुत अच्छा धनार्जन भी करते हैं या सम्मान भी प्राप्त करते हैं। डॉक्टर किसी विभाग का मोहताज नहीं है, किसी सरकारी या प्राइवेट जॉब का मोहताज नहीं है। आज डॉक्टर स्वतंत्र पेशा करके भी लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं, लेकिन उनकी कुंडली में क्या स्थिति है इसको जानना बहुत ही आवश्यक है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिक्षा के द्वारा ही हम तय कर सकते हैं कि
बच्चे को एक सफल डॉक्टर कैसे बनाया जा सकता है। तो शिक्षा के लिए बार बार हमने बताया है, आप सभी जानते हैं कि चतुर्थ स्थान से शिक्षा दिखती है। तो चतुर्थ स्थान और ये है चौथा कुंडली का चौथा स्थान। अगर आपके कस्पल सिग्निफिकेटर्स में चतुर्थ भाव का या चतुर्थ स्थान का उप नक्षत्र स्वामी अर्थात सब लॉर्ड, चतुर्थ स्थान का सब लॉर्ड 4, 9, 11 भावों पर कार्येश हो तो अच्छी शिक्षा बच्चा प्राप्त कर, 4, 11 का हो तो इंटर कॉलेज तक और ग्रेजुएशन की शिक्षा, 4, 9, 11 का कार्येश हो तो उच्च शिक्षा प्राप्त कर। तो मित्रों 4, 9, 11 बड़े महत्वपूर्ण स्थान है, चतुर्थ स्थान को जरूर देखा। अगर ऐसा योग है 4, 9, 11 या 4, 11 या 4 का योग है और बच्चे को आप डॉक्टर बनाना चाहते तो ये देखना आवश्यक है कि बच्चा एक सफल और कुशल डॉक्टर बन सकता है कि नहीं। अगर ऐसा योग है तो निश्चित रूप से आप डॉक्टर बनाइए और ऊंचाई पर बच्चे को सफलतम और कुशलतम डॉक्टर से। तो मित्रों सबसे आवश्यक है कि चतुर्थ का सलाड 4, 9, 11 का कार्येश, 4, 9, 11 भावों का कार्येश। कार्येश के बारे में विस्तार से कई बार चर्चा हो चुकी है सिग्निफिकेटर। और चतुर्थ का उप नक्षत्र स्वामी अगर सूर्य है तो डॉक्टर या चिकित्सक बनाता है, वैद्य शास्त्र की शिक्षा मिलती है, दवाई विशेषज्ञ बनाता है। सूर्य के साथ भी कंडीशन, सूर्य स्वयं चतुर्थ का उप नक्षत्र स्वामी हो या सूर्य के नक्षत्र में हो तभी आप एक कुशल और सफल डॉक्टर बना सकते हो, डॉक्टरी शिक्षा देना आपका साथ। तो मित्रों यद्यपि अनेकों शाखाएं हैं दवा में भी, डॉक्टरी में भी, चिकित्सा शास्त्र में भी, वैद्य शास्त्र में भी, हर ग्रहों मंगल को, बुध को, बृहस्पति को, सबको देख करके आप ये तय कर सकते हो इनके सब लाड अग्रण्य ग्रह भी हैं और सूर्य से संबंधित हैं तो डॉक्टरी शिक्षा या दवाई की शिक्षा प्राप्त करता है वो, लैब टेक्नीशियन भी हो सकता है वो, जो पैथोलॉजिस्ट भी हो सकता है, तमाम शाखाएं उसमें। लेकिन आज हम जो चर्चा कर रहे हैं एक सफल और कुशल डॉक्टर बनाने की, तो आइए हम मूल विषय पर आते हैं। सूर्य अगर स्वयं हो सब लॉर्ड या सूर्य के नक्षत्र में या सूर्य की राशि में, लेकिन सब लॉर्ड सूर्य हो या चतुर्थ का उप नक्षत्र स्वामी सूर्य के नक्षत्र में, अगर सूर्य सूर्य के ही नक्षत्र में, अपने नक्षत्र में, तो बच्चा एक हृदय रोग विशेषज्ञ बन सकता है या दवा विशेषज्ञ बनता है, क्योंकि सूर्य से भी दवाइयों का कारक है, दवाइयों का जनक है, दवाइयों को देने वाला है, पैदा करने वाला है। सूर्य ही जीवन है, जीवनदायिनी शक्ति सूर्य में ही, इसलिए सभी दवाइयां जीवनदायिनी है। अब बच्चे को दवा विशेषज्ञ बनाना है, मेडिसिन स्पेशलिस्ट बनाना है, MD बनाना है तो सूर्य का संबंध या सूर्य का उप नक्षत्र होना या सूर्य के नक्षत्र में होना आवश्यक। सूर्य स्वयं के नक्षत्र में है तो हृदय पर सूर्य का प्रभाव है, हृदय रोग विशेषज्ञ बनाएगा अथवा दवा स्पेशलिस्ट। सूर्य अगर चंद्रमा के नक्षत्र में है तो चंद्रमा मन का स्वामी है, मनोरोग विशेषज्ञ बना, मनोरोग विशेषज्ञ। और चंद्रमा स्त्री है, चंद्रमा से संबंधित है, स्त्री रोग विशेषज्ञ भी सूर्य बनाता है। द्रव रूप तैली दवाइयां भी आती हैं, उन दवाइयों का भी विशेषज्ञ बनाता है। सूर्य अगर मंगल से संबंधित, संबंध का मतलब हमने कई बार डिक्लेयर किया है, मंगल की राशि में, नक्षत्र में, युति में, दृष्टि में, हर प्रकार के संबंधों को आप देख। और अगर मंगल से संबंधित है तो ब्रेन स्पेशलिस्ट बनाता है, मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ, साथ ही एक सफल और कुशल सर्जन भी बनाता है। सर्जरी पर मंगल का ही अधिकार है
और साथ ही मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ बनाता है, तो हमें पहले बताया। अब सूर्य और भी तमाम मंगल से जो संबंधित शाखाएं हैं उसमें ले जाता है। सूर्य अगर बुध से संबंधित, तो बुध का आयुर्वेद पर भी प्रभाव है, आयुर्वेद की तरफ ले जाएगा। बुध बालक है, बाल रोग विशेषज्ञ बनाएगा। बुध से मित्रों लकवा, कर्ण रोग, मंद बुद्धि उपचार और बीपी की दवा भी बुध से ही संभव है। इस नाते सूर्य अगर बुध से संबंधित है, उसकी राशि नक्षत्र युति दृष्टि, तो बालक जो है बुध से संबंधित क्षेत्र में डॉक्टर बनेगा, लेकिन डॉक्टर तो जरूर बनेगा। सूर्य अगर बृहस्पति से संबंधित है, तो डायबिटीज रोग का कारक बृहस्पति ही हमने बताया था, मोटापा का, फिर पांव का, हाथी पांव का, कैंसर का, रक्त पेशियां बढ़ने का, ये सब बीमारी जो बृहस्पति से संबंधित, हाई ब्लड प्रेशर है, ये सबका विशेषज्ञ सूर्य बनाता है। एक सफल और कुशल डॉक्टर बन सकता है। और पैरों की भी बीमारी बृहस्पति से संबंधित है, क्योंकि बृहस्पति की मीन राशि पैरों से संबंधित है। पैरों की भी दवा का विशेषज्ञ बृहस्पति बनाता है। सूर्य अगर बृहस्पति से संबंधित है, उपनिषद स्वामी है या सूर्य चतुर्थ स्थान, सूर्य जो है चतुर्थ का उपनिषद स्वामी स्वयं है, सूर्य या सूर्य के नक्षत्र में है, तो और बृहस्पति से संबंधित। शुक्र से अगर संबंधित है, स्त्री शुक्र स्त्री है, स्त्री रोग विशेषज्ञ बनाता है, प्रसूति रोग विशेषज्ञ बनाता है, और गला, स्वर, आंख ये शुक्र से संबंधित है, मूत्राशय इनका विशेषज्ञ बनाता है। मित्र तो सौंदर्य वर्धक चिकित्सा जो होती है ये शुक्र से संबंधित है। इस तरह से शुक्र से संबंधित जो चीजें हैं सबका विशेषज्ञ सूर्य एक डॉक्टर बना करके बनाता है। इन चीजों का विशेष ध्यान देना है कि किससे संबंधित है, क्या बनाता है। सूर्य अगर शनि से संबंधित, शनि बुढ़ापे का कारक है, शनि जोड़ों की बीमारी का कारक है, शनि अस्थिरोग विशेषज्ञ बनाता है, इन सब चीजों का विशेषज्ञ शनि के नाते बनता है। और लंबे समय तक बीमारी अगर खींच रही है कोई, तो उसकी भी दवा करने की क्षमता शनि के प्रभाव से होती है। तो सूर्य शनि से संबंधित अगर है और चतुर्थ का सवलाड है या सूर्य के नक्षत्र में है और शनि से संबंधित है, तो शनि से संबंधित बीमारियों का विशेषज्ञ बनाता है। सूर्य अगर राहु से संबंधित है, राहु के नक्षत्र में है या राहु जिस राशि में है उससे संबंधित है, राहु की ज्योति में है, तो राहु से संबंधित बीमारियों का विशेषज्ञ बनाता है। राहु से संबंधित बीमारियां हैं महारोग है, पागलपन है, एड्स है, कैंसर है, ये सब चीजें, हिस्टीरिया है, गर्भपात है, ये चीजें जो आकस्मिक होती हैं और लोग कहते हैं कि कोई प्रेत बाधा है, इस तरह से महारोग माने दीर्घ रोग, ऐसा रोग जो समझ में न आवे, सबका विशेषज्ञ सूर्य बनाएगा अगर चतुर्थ का सवलाड है और राहु से संबंधित है। सूर्य अगर केतु से संबंधित है, तो आंत्रपुच्छ की बीमारी है, पाइल्स है, या आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा है, इसका विशेषज्ञ। तो मित्रों हमने एक नोटिंग भी दिया है, इस नोटिंग को आप देख लें, तैयार कर लें और इस बात को सुनिश्चित हो लें कि अगर चतुर्थ का सवलाड सूर्य है या सूर्य के नक्षत्र में है, तो निश्चित रूप से एक सफल और कुशल डॉक्टर बनाता है। किस क्षेत्र का डॉक्टर बनाएगा, अनेकों शाखाएं हैं, हर ग्रह से संबंधित हमने प्रकाश डाला है, उन ग्रहों से और भी संबंधित जो बीमारियां हैं उनका विशेषज्ञ बना करके एक कुशल और सफल और एक उच्च स्तर का डॉक्टर बना करके एक सफल जीवन देता है, परिवार को जस मान और संपन्नता प्रदान करता है और राष्ट्र में कल्याणकारी कार्य करने की दक्षता देता है सूर्य। इस नाते मित्रों हमने आज प्रकाश जो डाला है, हम समझ रहे हैं या पूरी तरह से समझ गए होंगे, लेकिन सबसे आवश्यक है कि 4, 9, 11 का फल भी होना चाहिए, क्योंकि 4, 9, 11 में अगर 4, 9, 11 तीनों आया तो दिव्यस्त, 4, 11 आया तब भी व्यस्त, 4, 9 आया तब भी व्यस्त, 9, 11 आया तब भी व्यस्त, मतलब
इसमें से तीनों में से कोई एक है, तब भी शिक्षा की दिशा उसी तरफ ले जाएगी, ये थोड़ा ग्रेडिंग उसकी अप डाउन हो। इसको आपका कॉमन सेंस, आपकी अतिंद्रिय ज्ञान, आपका सही सूझबूझ, आपका विवेक निर्णय लेगा। तो मित्रों, हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को एक बार नहीं बार बार देखें और बच्चे को उसी दिशा में ले जाएं, या मित्रों को सलाह दें कि कुंडली देख करके आप सही सलाह दे करके उनकी शिक्षा की दिशा और दशा और शाखा को तय कर दें, ताकि व्यक्ति या जातक अपने बच्चे को सही दिशा दे करके अपने भविष्य को उज्जवल और निर्मल बनावे, ऊंचा उठावे और एक सही अभिभावक की भूमिका अदा। तो मित्रों, समय लंबा हो रहा है और टॉपिक बहुत विस्तृत है, इस नाते आज का टॉपिक मैं ही समाप्त करता हूँ। कल एक नए टॉपिक के साथ पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा और पुनः आप सबको नमस्कार, धन्यवाद, शुभ।